अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होगे। और ये वीडियो के शुरुआत में ही हो गया छोटा सा डिज़ास्टर। खैर, ये सारे चने को मैं समेट लूँगी और पता नहीं अचानक कि मेरे हाथों से छटक गया कप। सैटरडे के दिन हस्बैंड का डे ऑफ था तो मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बनाऊंगी, तो वही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं। और खैर, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में तो नहीं बने कि लंच में बने, क्योंकि फिर बाद में ना फेजल का माइंड चेंज हो गया। उनका कहना था कि लंच में खा लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कभी कभार ना छोले भटूरे बहुत हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने लंच में बना लिए थे। अच्छा जी, ये सारा कुछ मैंने समेट लिया। ये एक कप मैंने लिए है काबुली चने। इनको पहले मैं क्या करूँगी ना, बोल में डालकर अच्छे से दो दफ़ा वॉश किया और बाद में पानी में भिगा के रख दूँगी। तो ये एक रात पहले की क्लिप है, क्योंकि रात में ही मैंने भिगा कर रख दिए थे, तो पूरी रात टाइम मिलता है ना तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं चने, भीग जाते हैं और फिर गलाना आसान हो जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं। अब ना हल्की हल्की ठंडी आ गई है, मतलब महसूस होने लगी है प्यारी प्यारी हल्की हल्की सी ठंडी, स्पेशली सुबह के वक्त में। और ठंडी में ना मुझे सिर्फ एक ही मसला है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है मेरी। ख़राब इन द सेंस, इतनी ड्राई है कि ठंड में स्क्रैचेस होने लगते हैं फेस पर, वो इतने पेनफुल होते हैं। इसलिए इस बार तो बहुत शुरू से ही मैं ध्यान दे रही हूँ ताकि वो स्क्रैचेस ना आ जाए मेरे फेस पर। सुबह उठकर जैसे ही फ्रेश होती हूँ, मुँह धोती हूँ ना, उसके बाद तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मैं तुरंत से किचन में आ गई और रात में जो चने भिगा कर रखे थे ना, उनको गलाना है, तो इसलिए प्रेशर कुकर में सारे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी पानी के साथ। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था तो फिर बाद में मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। और यहाँ पर चने देखो आप कितने अच्छे से फूल गए। अब ये गलेंगे भी बहुत ही आसानी से, आपको बेकिंग सोडा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पूरी रात भिगा देते ना तो बहुत आसानी से 15-20 मिनट में ही गल जाते हैं। तो ये सारे मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिए पानी के साथ, और जब पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा ना तो मैंने बोल में अलग से निकाल लिया था। पानी आपको इतना रखना है कि चने से लगभग 1 इंच तक का ऊपर होना चाहिए पानी। तो यहाँ पर ये उंगली की हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच जितना पानी ऊपर होना चाहिए चने के। अच्छा, अब ये चने और पानी के साथ हम कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक पोटली बना लेनी है मसालों की, जिसके वजह से बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे जो छोले हैं वो बनेंगे। तो कोई भी मुलायम सा पतला कपड़ा ले लो, कॉटन का रुमाल ले लो। तो इस तरह से मेरे पास ये कपड़ा था, इसके अंदर मैंने डाली 1 टीस्पून चाय, 1/2 टीस्पून अजवाइन। चाय से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो कलर होता है ना छोलों का, वो अच्छा खासा डार्क आएगा, जैसे वो ऑथेंटिक अमृतसरी छोले होते हैं ना, डार्क ब्राउन कलर के, बिल्कुल वैसा कलर आएगा। तो अगर आपको वैसा कलर चाहिए ना तभी चाय ऐड करना, वरना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें मैंने लौंग डाली 3 से 4, 4 से 5 इसमें जाएगी काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 हरी इलायची, काली इलायची मेरे पास थी नहीं, अगर आपके पास हो ना तो 2 डाल देना, फिर 3 से 4 इसमें तेज पत्ते, और ये लहसुन की कलियाँ 4 मैंने ली थी। और इसको ना इस तरह से चम्मच से थोड़ा क्रश करके डाल देना, तो फ्लेवर अच्छे से इसका ना उभर कर आएगा। बस ये इतनी चीज़ें डालकर मैं गांठ लगा लूँगी पोटली की, तो ऊपर से सिर्फ एक गांठ टाइट सी लगा लूँगी मैं। अब ये पोटली हमारे चने के साथ कुकर में जाएगी, इसी के साथ हम नमक भी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से कर देना, मैंने लगभग 1/2 टीस्पून जितना किया होगा। और बस थोड़ा सा मिक्स करके कुकर के लिड लगाकर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। शुरुआत के जो 5 मिनट है वो हाई फ्लेम पर ही रखूँगी, 1-2 विसल जब आ जाएंगे ना फिर बाद में फ्लेम को लो मीडियम करके मैंने इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था, तो बिल्कुल कम्प्लीटली बहुत अच्छे से गल गए थे ये। और जब तक चने गल रहे, थोड़ी देर के लिए मैं गैलरी में जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि ये जो सुबह की वाइब्स होती है ना बहुत ही प्यारी होती है, स्पेशली अभी जब बदलता हुआ मौसम है, ठंड आने लगी है। काफ़ी
काफ़ी जल्दी मैंने काम शुरू कर दिया था ना, तो अभी ब्रेकफास्ट को भी काफ़ी वक्त था। अभी तो फिजल आए भी नहीं थे जिम से, तो मैंने सोचा भटूरे के लिए आटा लगा देती हूँ, क्योंकि उसको रेस्ट करने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त भी देना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। तो इसलिए ये मैदा ले रही हूँ मैं भटूरे बनाने के लिए। मैंने 2 कप मैदा लिया था और अच्छे से इसको छान कर लूँगी। 2 कप मैदे में आपके आराम से 6 से 7 भटूरे बन जाएंगे। मैदे के साथ मैंने 1/4 कप ये सूजी ले रही हूँ, सूजी या रवा जो भी आपके पास हो, 1/4 कप जितना ले लेना, 1/4 कप। और मेरा पता नहीं 1/4 कप वाला ना आमिना ने खेलने के लिए ले लिया है, तो उसके टॉयस में पता नहीं घूम रहा होगा इधर उधर। तो ये 1/2 कप से ही मैंने मेजर करके 1/4 कप ली थी सूजी। अब ये चीनी डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी, लगभग 1 टीस्पून जितनी, और इसी के साथ नमक जाएगा 1/2 टीस्पून जितना। इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, तो दोनों 1/2 टीस्पून ही रहेगा। तो 1/2 टीस्पून ये मैंने डाला बेकिंग पाउडर और ये 1/2 टीस्पून अभी जा रहा है बेकिंग सोडा। इसी के साथ दही डालेंगे, तभी तो हमारे भटूरे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से वही जालीदार वाला टेक्सचर आएगा। तो मैंने मेजर करके 1/3 कप जितना दही डाला है, और अब अच्छे से मैं क्या करूँगी ना, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद पानी डालकर इसका आटा लगाऊँगी। और इसका जो आटा होगा ना, वो बिल्कुल रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना सॉफ्ट सा, वैसा ही लगाना है। तो धीरे धीरे करके बहुत थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि ये मैदा है ना तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी एक वक्त पे ऐड नहीं करूँगी। और लगभग इसमें 3/4 कप जितना पानी मैंने यूज़ किया था। अब बस ये जब इकट्ठा इस तरह से आ जाएगा, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जितना तेल डाला, और अब इसकी जो रियल मसाज है ना वो शुरू हो जाएगी। तो इसको पटकना शुरू करना है, इसको मलना शुरू कर देना है, अच्छे से इसको गूंथना है। प्रॉबेबली इट विल टेक 5 to 6 मिनट्स, मतलब 5 से 6 मिनट के लिए लगातार मैंने इसको पटका था, अच्छे से गूंथा था। जब इस तरह से इसे पटक पटक कर गूंथते हैं ना, तो जब हम भटूरे बनाते हैं, रोल करते हैं, तब बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होते। वरना आपको पता होगा मैदा जैसे ही हम रोल करने जाते हैं, उसकी रोटी या कुछ भी बनाने जाते हैं, तो वो दोबारा से छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो बस उसको अवॉइड करना है ना, तो आपको इस तरह से इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए कम से कम पटक पटक कर गूंथना होगा। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स ये अच्छे से स्मूथ भी हो गया, देखो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। और ये एक अच्छे आटे की पहचान है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आटा डो है वो अच्छे से लग गया है? पहली निशानी तो यही है कि वो बिल्कुल भी आपके हाथों में ना स्टिक नहीं करेगा, चिपचिपा नहीं होगा। तो बस जब ये रेडी हो गया ना, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल थोड़ा सा और लगा दिया, और अब इसको ढककर मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दूंगी। एक्चुअली मैंने इसे 2.5 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ा था। जितना अच्छा आप इसको रेस्ट दोगे ना, उतने अच्छे आपके भटूरे बनेंगे। तो 2 घंटे तो कम से कम आपको इसको रेस्ट देना ही होगा। छोले भटूरे बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी प्रेपिंग होती है ना, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब हर चीज़ को, चने को भी आपने देखा, काफ़ी लंबे टाइम के लिए भिगाना पड़ता है। ये जो आटा लगाया है हमने भटूरे का, उसके भी हमें अच्छा खासा रेस्ट देना पड़ता है। तो इस तरह से ना टाइम बहुत लगता है, लेकिन जो कुकिंग वाला प्रोसेस है ना, वो फिर बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने लग गई। चाय चढ़ा दी थी मैंने और रोटियाँ भी बना ली थी। अब सिंपल सा यहाँ पर ऑमलेट बना रही हूँ फेजल के लिए। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि फेजल ने मुझे लंच में बनाने के लिए कहा छोले भटूरे, वरना कभी कभी जब आमिना के साथ सुबह में स्पेशली ब्रेकफास्ट इस तरह का होता है ना, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर छोटे बच्चे हो साथ में, तो फिर सुबह सुबह में तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जैसे ही वो उठते हैं, तो उनका सारा काम, बाद में ब्रेकफास्ट बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो खैर, लंच में बनाने थे तो मैं काफ़ी रिलैक्स थी और बहुत ही शांति और सुकून से मैंने बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर छोले मैं चेक कर रही हूँ, तो प्रेशर कुकर में से जैसे ही नेचुरली जो सारी हवा होती है वो निकल गई। तो कुकर को मैंने खोला और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। और ये जो पोटली है ना, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये देखो, चने भी बहुत अच्छे से बिल्कुल गल गए। इतने नहीं गला लेना कि पूरा उसका हलवा ही बन जाए, खड़े खड़े होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सॉफ्ट होने चाहिए। कुकर में से चने को निकाल कर मैंने पानी से अलग कर लिया है, और ये जो डार्क वाला पानी है ना, इसको मैं कुकर में ही रहने दूँगी, जब छोले बनाएंगे ना उस वक्त पर काम आएगा ये, तो इसको देखना नहीं है अभी। हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, आमिना ने भी कर लिया था, अभी उसकी जो मंचिंग है वो शुरू हो जाती है 11 बजे के वक्त पे, तो बस उसे भी देख रही हूँ और थोड़े बहुत घर के काम भी मैं कर रही हूँ साथों साथ।
चलिए जी, फाइनली अब हम कुकिंग शुरू करते हैं और मज़े के मसालेदार से छोले बनाते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है, इसके अंदर मैं तेल डालूंगी। तेल मैंने लगभग 3 टेबलस्पून जितना डाला था। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले चॉप की हुई प्याज जाएगी। तो मैंने चॉपर में ही बिल्कुल बारीक सी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था, तो ये मैं तेल में डाल दूंगी। प्याज को तेल में डालने के बाद यू नो द ड्रिल, हमारे सारे देसी खाने ऑलमोस्ट जो ग्रेवी बनती है ना ऐसी ही बनती है। तो प्याज डालने के बाद उसको ना ब्राउन होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, अच्छे सी बिल्कुल प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लूंगी। और जब तक प्याज फ्राई हो रही है, मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब ये जो काबुली चने थे बॉईल किए हुए वो डाल लिए, और इसको ना मैं मैश कर लूँगी। तो इसको हम जब हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे ना, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारे छोलों का। तो ये थोड़े से मैश करके मैंने साइड पर रख दिए हैं, और प्याज भी हमारी अच्छी खासी यहाँ पर ब्राउन हो गई है। तो अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी कि इसमें से कच्चापन निकल जाए। और फिर इसके अंदर पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लगभग 2 टीस्पून जितना मैंने डाला धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जो तीखापन है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और फिर ये सारे पाउडर मसालों को भी मैंने बहुत अच्छे से भूना, और क्योंकि ये मसाले सूखे होते हैं तो जल ना जाए, इसलिए मैंने एक करछी ना पानी भी डाल दिया था, वही वाला पानी जो कुकर में था हमारे। जैसे ही सारे पाउडर मसाले भून गए ना, मैंने यहाँ पर छोले का मसाला लिया है, आप कोई भी अच्छी सी ब्रांड का ले सकते हो। और ये छोले मसाले के लगभग मैं 3 छोटे चम्मच जितना डाल रही हूँ। छोले मसाले डालने के बाद मैंने 10 से 15 सेकंड्स उसे भी भून लिया, और फिर कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितनी। हाथों से थोड़ा सा ना मसल कर क्रश करके इस तरह से डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालना कसूरी मेथी। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो छोले हमने मैश करके रखे थे वो डाल दूंगी, और हल्का सा पानी भी मैंने डाला था ताकि ये जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। और इसके बाद टमाटर डाल दूंगी। तो ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर की प्योरी मैंने बनाकर रखी थी, पीस कर रखे थे, ये मैंने डाल दिए। और इसी के साथ नमक भी डाल देना है ताकि टमाटर जल्दी जल्दी से ना गल जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने ग्रेवी के हिसाब से अभी फ़िलहाल मैं नमक डाला था, बाद में लास्ट में मैं चेक करके डालूंगी, अगर मुझे कम लगेगा ना तो मैं ज़्यादा डाल दूंगी। और फिर अब यहाँ पर छोड़ दिया है मैंने ताकि टमाटर का जो सारा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ये करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी टमाटर का कच्चा वाला फ्लेवर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी अच्छी खासी ग्रेवी मसाला जो है वो रेडी है। इसके अंदर जो छोले हमने बॉईल करके रखे थे वो सारे मैं डाल दूंगी और बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। तो ये ऑलमोस्ट डन है, अब बस लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे थोड़ा सा पकने दिया ताकि सारे मसाले जो है वो हमारे काबुली चने में आ जाए, सारे फ्लेवर मसालों के। इसके बाद मैंने अदरक बिल्कुल बारीक कटी हुई, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसके ऊपर देसी घी का तड़का दे दिया। तो बस थोड़ा सा लगभग 1 टेबलस्पून जितना देसी घी गर्म करके पिघाल कर इसके ऊपर ये डाल दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मिक्स किया और ये हमारे मज़े के छोले रेडी है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो नमक वगैरह, अगर कम लगता है तो आप इसी वक्त पे बिल्डअप कर सकते हो। हमारे मज़ेदार छोले तो रेडी हो गए, अब यहाँ पर भटूरे का जो आटा है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये देखो कितना अच्छे से ढल गया है, सेट हो गया है। तो इसको मैं क्या करूँगी ना, इसके मैं पेड़े बना लूँगी। तो डिपेंडिंग आप कितने बड़े कितने छोटे बनाते हो, लगभग इससे 6 से 7 भटूरे बन ही जाएंगे। मैंने इससे 7 मीडियम साइज़ के भटूरे बनाए थे। और इस तरह से पेड़े बनाने के बाद भी इसको आपको रेस्ट करने के लिए रखना है। अब बस इस बार मैं 15 से 20 मिनट ही इसे रेस्ट के लिए रखूँगी, तो ये बस परफेक्ट है, डन है भटूरे बनाने के। और ये जो छोले हमारे तैयार हो गए थे ना, वही हम खा यहाँ पर बैठकर, क्योंकि बहुत ही चटाकेदार और मज़े के लगते हैं ऐसे खाने में भी। और हस्बैंड का जब ऑफ डे होता है ना, इनका पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है आमिना के साथ खेलते हुए घर पर, और ये इस तरह से आमिना के साथ ही मंचिंग करते हुए कुछ ना कुछ खाते पीते हुए।
लंच का वक्त हो गया था तो मैंने सोचा अब मैं गरम गरम भटूरे भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, लेकिन इसके अंदर जो तेल डाला है ना वो आधा ही डाला है, तो ज़्यादा तेल नहीं लूँगी मैं भटूरे बनाने के लिए। और ये हमारे जो पेड़े हैं वो भी अच्छे से सेट हो गए, इसके अंदर का एक पोर्शन लूँगी और अब बस रोटी की तरह ही इसे रोल कर लूँगी। अगर आपको सूखे आटे की ज़रूरत लगती है ना तो थोड़ा सा लगाना, मैंने भी लगाया था लेकिन बहुत ही कम लगा कर मैंने इसको रोल किया था। अगर आप जो दुकान वाले होते हैं जो छोले भटूरे वाले, वो जब बनाते हैं ना भटूरे तो कोई भी सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, लेकिन हालांकि उनको तो प्रैक्टिस होती है रोज़ाना बनाने की, हम रोज़ाना नहीं बनाते घर में इसलिए थोड़े से सूखे आटे की हमें ज़रूरत पड़ी जाती है। और वैसे ही मैदे के साथ वर्क करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अच्छा, इसको मैंने रोल कर लिया बड़ी सी पूरी के फॉर्म में, इसकी साइज़ आप डिपेंड करोगे कितनी रहेगी, लेकिन जो इसकी थिकनेस है ना वो पराठे की तरह रहनी चाहिए। अगर आप इसको हल्का सा मोटा रखोगे ना तभी ये अच्छे से फूलेंगे, तो इसको पतला मत करना, अच्छा से थिक ही रखना। और ये मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई किया था और तेल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो ये बनेंगे ना भटूरे वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो ये अच्छे से मैंने मीडियम फ्लेम पर, तेल भी अच्छा खासा गर्म था, मैंने फ्राई कर लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल बलून की तरह, अगर इसकी आप थिकनेस सही रखोगे ना तो फिर ये बलून की तरह फूलेगा। और जब प्यारा सा कलर आ जाएगा हल्का ब्राउन सा तो फिर मैं इसको तेल से बाहर निकालूंगी। और इसी तरह से मैंने सारे भटूरे रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी की तरह मैंने इसे रोल किया, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखा था, जैसे हम पूरी को थोड़ा मोटा रखते हैं या फिर पराठों को। और फिर इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे छोले का कलर भी कितना प्यारा है चाय के वजह से, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इतना डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। और ये हमारे भटूरे इतने ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट से बनेंगे और बिल्कुल फूले फूले हुए। और यहाँ पर आप इनका टेक्सचर देख सकते हो, अंदर से बिल्कुल जालीदार वाला, जो कि दही और बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन होता है ना तभी इसी तरह का टेक्सचर आता है भटूरे में। छोले तो अच्छे से फ्लेवरफुल और मसालेदार से बनते ही है, लेकिन ये जो भटूरे हैं ना वो इतने मज़े के लगते हैं, आप इसे लूखे खा जाओगे ना तो भी बहुत मज़ा आएगा, इतना अच्छा इनका टेक्सचर होता है। तो बस ये था छोले भटूरे हमारा लंच, हमने मज़े से एंजॉय किया। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा रेसिपी और व्लॉग दोनों। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।